Hey, hello, welcome my loves, welcome back to Padam Shift Tarot. How you all doing? Happy Tuesday to everyone. Hope you are in your good health, doing good. This is an astrological channel. I'm Dev Rupa. I talk about astrology, tarot reading, your weekly stuff, pick a card and all other stuff, okay? So, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए. अगर आप चैनल में पुराने हो, सब्सक्राइब कर चुके हो तो बहुत ज़्यादा थैंक यू. आपकी सपोर्ट बहुत मायने रखती है. अगर रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करे तो ज़रूर मेंशन करना ना भूलिए कमेंट सेक्शन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरी ईमेल आईडी दी हुई है. अगर आपको और भी डिटेल्स में जाके पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हो. ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द रीडिंग मैं आप सभी को एक कहना चाहूँगी बात कि अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आप अपने राइजिंग या तो मून या तो सन किसी और साइन को ज़रूर देखिए. ठीक है, एंड दीज आर जनरल रीडिंग सो दे मे नॉट रेजोनेट फॉर ऑल ऑफ यू, बट इफ दे डू डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट नोटिफाइड. ओके, ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो दैट थिंग्स आर रेजोनेटिंग फॉर यू. इट विल ऑल्सो हेल्प मी टू गेट मोटिवेटेड फॉर यू रीडिंग्स. ओके, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर कैंसर फॉर द अपकमिंग वीक, नॉट दिस वीक. सो आई थिंक दिस इज़ द वीक ऑफ 18th to 25th or 4th. So it won't be for this week, it will be for the week ahead, that means from 25th. Okay, so I hope you will like the video, so just stay tuned. Okay, this is a Celtic cross reading. Okay, so just remember that. This is for my lovely Cancerians. This reading is for my lovely Cancerians. Okay, so just stay tuned. Let's see. Eight of Cups, okay. So, as I can see, the challenge for this week is to work on something. I think it is about working on yourself, or it is regarding some sort of healing aspect of your life where you cannot work out and you feel like आप उस पर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो जितना भी आप मेहनत लगा रहे हो उस एक चीज़ पे. या तो ये आपके फाइनेंसेस के बारे में भी बता सकता है. आप अभी जहाँ पे हो टेन ऑफ पेंटिकल्स, या इट कुड बी अबाउट सम सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो आप लोग हो अभी जिसमें. ठीक है, और इस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कुछ एक चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है आपके लिए, वो आपकी चैलेंज है. चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है उस रिलेशनशिप में, या दो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड ऑल्सो मैं जैसे कि देख सकती हूँ बहुत कमिटेड रिलेशनशिप है. एक टाइम पे आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश मिजाज थी, चीज़ें बहुत सही थी, पर अभी ये रिलेशनशिप किसी वजह से वर्कआउट नहीं हो पा रहा है. और पास्ट में मैं देख सकती हूँ यू रिग्रेट सम सिचुएशन. आपके अंदर बहुत सारे रिग्रेट्स, दुख भरी, मतलब बहुत सारे दुख है और आप उस दुख को लेके भी बैठे हो. आई थिंक दिस एट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वर्किंग कार्ड. आपके काम के बारे में बात करता है, आप कैसे काम कर रहे हो उसके बारे में बात करता है. मुझे ऐसा भी लगता है कि इट कुड बी ऑल्सो अबाउट सम सॉर्ट ऑफ अ जॉब सिचुएशन वेर यू फील लाइक थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और उसके हिसाब से आपको काम की रिजल्ट्स नहीं मिल रही, जिसलिए आपके आपका बहुत सारा रिग्रेट है उस चीज़ को लेके कि हाँ क्यों नहीं ये चीज़ वर्कआउट कर रही. आई थिंक दिस कुड बी रिलेटेड टू कोविड. मे बी कोविड के टाइम पे कुछ ऐसा चीज़ें हुई जब पैनाडेमिक चल रही थी, लोग क्वारंटीन थे, और आप लोगों की ये जो एक एस्पेक्ट है वर्क की जहाँ पे आपको पैसे मिल रहे थे, शायद पैसों की डिडक्शन हुई उस चीज़ में, आपके पैसे कट किए गए, और आई फील लाइक यू आर नॉट गेटिंग द मोटिवेशन फॉर वर्किंग एंड ऑल्सो थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट वेल इन योर जॉब सेक्टर, और उसको लेके आपके अंदर बहुत सारे रिग्रेट है. ठीक है, और ये आपके इनर वर्क के बारे में बात कर सकता है. कोई एक रिलेशनशिप आपके क्राउनिंग पोजिशन में आपके थ्री ऑफ सोर्ड हार्ट ब्रेक है. आई थिंक आपका कोई मेजर हार्ट ब्रेक हुई है अभी रिसेंट पास्ट पे, और वही आपका स्ट्रेंथ होके फ्यूचर में आएगी. ठीक है, ये जो हार्ट ब्रेक आपका हुआ इसको नेगेटिवली ना लेके थोड़ा सा पॉजिटिवली देखिए कि इस हार्ट ब्रेक के माध्यम में आपको क्या लेसन्स मिले, इस जो दिल आपके टूटे उसके माध्यम में आपको कैसे कैसे इनसाइट्स मिले लाइफ की. आपको लाइफ के बहुत सारे लेसन्स मिले जो आप आगे में काम लगा सकते हो, आगे में आपको काम में हेल्प करेगी.
if it is about a job situation, maybe there are some like you know you are not feeling fulfilled from inside. और ये हो सकता है कि इस टाइम पे आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो और आप अपने ऊपर आपके अंदर जो दुख है, आपके अंदर जो दुख छुपी हुई है उसके ऊपर आप वर्क नहीं कर रहे हो, जिसलिए आपकी अंदर की जो स्टेबिलिटी है, आपके अंदर की जो यू नो उतार चढ़ाव है, वो सारी चीज़ें होते जा रही है और चीज़ों को आप ठीक नहीं कर पा रहे हो. देर इज़ अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी इनसाइड ऑफ यू. यू एज अ पर्सन इज़ फील यू एज अ पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लाइक यू नो अनस्टेबल. यू आर नॉट फीलिंग स्टेबल. ओके, एंड विद दिस एस ऑफ वंड्स, दिस कुड ऑल्सो बी अबाउट यू ट्राइंग टू बिगिन समथिंग और ट्राई टू टेक अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, मे बी रिगार्डिंग सम क्रिएटिव वर्क. आपको ऐसा लगता है कि आपके जो भी काम थे वो करके आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ पे काम पुट करके आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी, चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में नहीं जा रही थी, आप जितना भी वर्क पुट कर रहे थे. तो इस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई एक नया क्रिएटिव चीज़ें स्टार्ट करनी है, ठीक है, और इस पुरानी चीज़ को छोड़ के आनी है, क्योंकि आप अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मोड में हो एंड स्पिरिट्स वांट यू टू फोकस ऑन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वुमन और अ मैन, डजेंट मैटर जेंडर. वो एक ऐसी व्यक्ति है कि उनके अंदर सब रिसोर्सेज है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन स्टार्टिंग सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव बिजनेस और क्रिएटिव व्हाई डिड आई से बिजनेस आई डोंट नो मे बी अ क्रिएटिव जॉब, या तो कोई काम है आपकी जो क्रिएटिविटी रिलेटेड है, ओके, आपको अगर वो करनी है तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास सभी चीज़ें हैं जिसके माध्यम में वो आगे बढ़ सकती है और चीज़ों को मतलब यू नो चीज़ों को वास्तविक कर सकती है, यू नो प्रैक्टिकलिटी में ला सकती है. ऑल्सो द डेविल इज़ इन योर होप थिंग्स दैट आर हिडन फ्रॉम यू. आई फील लाइक आपके अंदर में मतलब आप सोचते हो कि हाँ ठीक है मैं थोड़ा बहुत हील हो रहा हूँ, या तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना ज़्यादा काम पे फोकस कर लिए हो कि आपके ज़िंदगी के मतलब एकदम सेंटर पॉइंट पे ही काम आ गई है, पैसे आ गए हैं, पर आई फील लाइक आपके अंदर में बहुत सारे ऐसे अभी भी चीज़ें जिसको जिसके ऊपर आप वर्क नहीं कर रहे हो, जिसके जिसको मतलब आप अपने खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम मटेरियल थिंग्स विच इज़ नॉट गुड. दैट इज़ कमिंग अप एज अ डेविल एनर्जी, यू नो दैट इज़ कमिंग अप एज टॉक्सिक. And I feel like there is a hell lot of toxicity in the situation inside of you, because you are still finding yourself tied to the situation. And yeah, but in the near future, I see थोड़ा बहुत improvements आ रही है उस चीज़ में. आप धीरे धीरे वहाँ से move on कर रहे हो, आप उस चीज़ को छोड़ के जा रहे हो. And I think there could be a little bit of traveling involved. आप शायद कहीं पर travel भी कर सकते हो और आप move on भी कर रहे हो. आपको जो चीज़ें अभी serve नहीं कर रही है वहाँ से आप move on कर रहे हो. अगर ये कोई relationship है, I think उस relationship में आपको बहुत दुख मिला, आपको किसी ने बहुत दुख दिया, और definitely someone from your past gave you a lot of pain and that's why you are walking away and you are choosing yourself over anything else. किसी और चीज़ के ऊपर भी जाके आप अपने खुद को choose कर रहे हो, which is a very good energy to see. But whatever it is, you are still in some sort of you know tired. You are still like अभी वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा tied up हो उस situation से, उस heartbreak से, और you are getting hard time on starting something new. ठीक है, आपको कुछ न्यू स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है. ये एक पैशनेट रिलेशनशिप के बारे में भी बता सकता है. तो आई थिंक देयर इज़ अ पैशनेट रिलेशनशिप दैट कुड बी कमिंग इन फ्यूचर दैट यू वांट टू वर्क ऑन बट यू कुडंट वर्क ऑन. एंड विद दिस टू ऑफ वंस, यस देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवलिंग, और थोड़ा सा लेट में जाके आप शायद इस चीज़ से मूव ऑन करें. एंड सेवन ऑफ वंस, यू आर डिफेंडिंग योर पॉइंट. अभी आपने सीख लिया है कि अपने पॉइंट को कैसे रखनी है. अगर आपने पहले बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे इस रिलेशनशिप में या तो इस वर्क पे, नाउ यू आर स्टैंडिंग अप योर पॉइंट एंड यू आर सेइंग व्हाट यू वांट टू से. आपके दिल में जो भी है आप वो बता रहे हो एंड यू आर फुलफिलिंग योर डिज़ायर्स. दिस टाइम यू आर चूजिंग क्रिएटिविटी, यू आर चूजिंग योर सेल्फ ओवर एवरीथिंग एल्स, एंड दैट इज़ कमिंग अप एज अ वेरी गुड एंड नाइस एनर्जी. ओके, सो या and in the near future I see you walking away from whatever that has been hurting you for a long time now. Yeah, this could be a Libra that you are connected to also. 10 of pentacles,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू कुड हैव टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन इन योर चार्ट, और किसी के चार्ट में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकती है, या तो कोई फायर साइन हो सकता है जो आपके ज़िंदगी में है, या तो कोई कैप्रिकॉन एनर्जी भी हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे है, या तो कोई पाइसिस जिससे आप मूव ऑन कर रहे हो, या तो आपकी संबंधी कोई एक पाइसिस के साथ जिससे आप अभी बहुत मतलब दूर में हो, दूरियां बढ़ चुकी है और आप वहां से दूर ही रहना चाहते हो, वहां से मूव ऑन करना भी चाहते हो क्योंकि दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हैज़ नॉट बीन सर्विंग यू। आपको काम से रोक रही थी वो सिचुएशन, आप खुद के ऊपर नहीं काम कर पा रहे थे, आप अपने खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे उस सिचुएशन में, दैट्स व्हाई यू आर मूविंग ऑन एंड मूविंग ऑन फॉर द बेटर एंड फॉर द गुड। ओके, दैट्स व्हाट आई सी कैंसर, सो इट वाज अ लवली, दैट्स व्हाट आई सी कैंसर, दिस वाज अ लवली रीडिंग एंड आई सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, बाय एंड या दैट इज व्हाट, ड्रिंक वाटर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू like the video, and also if it resonates with you zarur claim kijiye description box pe, comment to kijiye hi, bahut sare good wishes aap sabhi ke liye।